हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस समय कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन में एक व्यक्ति की मौत हुई है एक नए वायरस से, जिसका नाम है हंटा वायरस। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, सोशल मीडिया में हड़कंप मच गई कि अब एक और नया वायरस, जो हम अभी ऑलरेडी कोरोना वायरस से परेशान हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूरा वर्ल्ड परेशान है, उससे पूरी दुनिया और हमारा देश भी बहुत ज़्यादा परेशान है, हर जगह लॉकडाउन है। तो ये नया वायरस क्या है, क्या आ गया, इससे हम और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो आपको बता दें, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या हंटा वायरस कैसे होता है और क्या ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही न्यूज़ बाहर आई कि एक हंटा वायरस से एक लोगों की मौत हो गई है चाइना में, तो लोगों में हड़कंप मच गया। पूरे सोशल मीडिया पे अभी हंटा वायरस के रिगार्डिंग ही सारी न्यूज़ आ रही है कि ये अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइज, आपको बता दें, ये हंटा वायरस कोई अभी नया नहीं है। बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ जो सोशल मीडिया में आ रही है कि ये चाइना से इन्वेंट हुआ है एक और नया वायरस, और ये अभी फिर से बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। बट ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से ही है। बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसका जो डेथ रेशियो है 38% है, अकॉर्डिंग टू सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो गाइज, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं और इससे कई सारी मौतें हुई हैं इस वायरस से। बट ये कोई एयरबॉर्न वायरस नहीं है, मतलब कि ना ही ये हवा से फैलता है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये वायरस एग्जैक्टली कहाँ पे फाउंड हुआ है। तो गाइज, ये वायरस वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे चूहों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, लाइक फार्म हाउस या कोई जंगल्स में, या जहाँ भी जैसे भी एरिया में चूहे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ज़रूरी नहीं सिर्फ चूहों से नहीं। अब क्या एग्जैक्टली होता है, तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये वायरस एग्जैक्टली इन्फेक्टेड कैसे होता है। तो जो लोग चूहे, ये वायरस चूहे से फैलता है, चूहों से फैला, बट सारे चूहे नहीं, जो चूहे इन वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनसे ही होता है। और एग्जैक्टली कैसे होता है मैं आपको बता दूँ। अगर आपको वो चूहा जिसको वो वायरस है वो आपको काटता है, या उसका जो मूत्र है या मल है आप पी लेते हो या खा लेते हो, या उस चूहे को अगर आप खा लेते हो, तो आपको ये वायरस होगा, अदरवाइज आपको ये वायरस नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर उस चूहे ने कोई आपके घर की कोई चीज़ को खा लिया या आपको कट कर दिया, तो भी ये वायरस आपको अफेक्टेड कर सकता है। और ना ही ये किसी हवा से फैलता है, या किसी को अगर ये वायरस हो गया है उसको छूने से भी नहीं फैलता है। आपको ने अगर वो कोई चीज़ खाई है उससे रिलेटेड, जो चूहे जिस चूहे को वायरस था, तो आपको ये वायरस होगा, अदरवाइज ये वायरस नहीं होगा। तो सिंपल दोस्तों, आपको इस वायरस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एयरबॉर्न वायरस नहीं है, हवा से नहीं फैलता, ना ही छूने से फैलता है इसकी। हाँ, अब आपको बताऊंगी इसके लक्षण क्या। इसके लक्षण भी सेम एज कोरोना वायरस के जैसे ही हैं। आपको खांसी होती है, फीवर होता है, बलगम्स आते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, और इसके प्रॉब्लम्स भी एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में ही दिखते हैं, जो एज सेम एज अ कोरोना। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैंने बता दिया कि ये छूने से और ना ही हवा से फैलता है, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चूहे खाते हो तो आपको परेशानी हो सकती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोग। अगर आप इस तरह करते हैं तो आपको टेंशन होने की जरूरत है, आप देख लीजिए। तो गाइज, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करते होगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो गाइज, ये जो मैंने रिपोर्ट और हंटा वायरस के बारे में आपको बताया, ये मैंने पढ़ा है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में। तो आप चाहो तो उसमें जाके पढ़ सकते हो, मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो गाइज, मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि मैं आपको चाहता था कि जानकारी देना, जो कि ये बहुत ही क्रूशियल समय है, ऑलरेडी लोग परेशान हैं और इस नए हंटा वायरस से और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं बस बताना चाहता था कि इससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, और जो गलत न्यूज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया में उससे प्लीज़ बचें, और ना ही आगे फॉरवर्ड करें। जो व्हाट्सअप कम्युनिटी में तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, उनको प्लीज़ आप आगे मत फॉरवर्ड करो बिना चेक किए हुए, और भी लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए। बहुत ज़्यादा जो लोग डरे हुए हैं और नहीं जानते इसके वायरस के रिलेटेड, तो ज़रूर इसको शेयर करिए।